film was one time watch. Why so? Why so, sir? Because, see, Ayushman Khurrana, first of all, he tried action movie. First half is very slow paced. Second half picks up and second half is really good. Climax bhi achha hai. But first half aur achha ho sakta tha. What is about Jaideep Alawat? Jaideep Alawat is amazing. His Haryanvi accent and you know, very good. First half and second half both. What is the film trying to showcase? What is the theme of the film? A theme yehi hai ki real life hero aur real life hero ka you know ye bakhaya hai farak aur I mean kaise wo unexpected circumstances mein phas jate hain kaise you know Ayushman Khurrana wo dikhaya gaya hai and how he deals with it. Out of 5 stars? I'll give 2.5 to 3. अच्छी थी मूवी. मूवी में नॉर्मल मतलब बिठा के रखती है, उठने पे मजबूर नहीं करती. अच्छी थी मूवी. वैसे एक्टिंग आयुष्मान बहुत अच्छी करी. आउट ऑफ 5 स्टार्स? 3 स्टार दूंगा. वन टाइम वॉच, टू टाइम वॉच? हां, वन टाइम वॉच तो है ही. पिक्चर है यार, मारे भाई हरियाणा वाले ने काम कराया जयदीप अलावत ने, और हरियाणा के एक्टर्स को लिया है, हरियाणा सिनेमा को दिखाया है, तो बहुत अच्छा है. और आयुष्मान खुराना ने कुछ एक अलग कुछ नया किया है, एक्शन किया है. कॉमिक में तो वो है ही माहिर, लेकिन एक कुछ नया रूप देखने के लिए मिला है, तो माइंड ब्लोइंग और बहुत अच्छा है. आयुष्मान खुराना, ऑल एक्टर्स आर डूइंग वेरी गुड जॉब. जयदीप अलावत, जयदीप अलावत तो माइंड ब्लोइंग एक्टर है ही, हमने बहुत सारे उनके काम देखे हैं, तो इसमें कुछ एक नया अलग कुछ किया है. और सबसे बड़ी चीज़ बात क्या होती है ना, एक एक्टर को, मैं हरियाणा से हूँ तो जो छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया, पहलवान के जो कान होते हैं, वहाँ के जो हेयर स्टाइल है, तो वो बहुत अच्छा वर्क किया, तो जयदीप अलावत माइंड ब्लोइंग. सॉरी, या फाइव. हाँ, अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच मूवी है. इसमें एक्शन है, कॉमेडी है, डांस है. इसके अलावा जयदीप अलावत की एक्टिंग कैसी लगी? हाँ, जयदीप अलावत की एक्टिंग कैसी लगी आपको? उसकी भी अच्छी लगी. आयुष्मान खुराना मेन है. अच्छा, बाकी एक्शन पार्ट में कितना आपको इम्प्रूव किया? सेकंड पार्ट अच्छा है. इंटरव्यू के बाद क्या कहना चाह रहा है फिल्म के माध्यम से? ये बस टाइम पास है, ओनली. और क्या है? 4 वन टाइम वॉच, टू टाइम वॉच? वन टाइम वॉच. सर, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास. क्या खास है फिल्म में? एक शूटिंग हीरो जो होता है ना, शूटिंग में काम करता है, उसको बदमाश मिलने के लिए आते हैं. अचानक वो उसका पीछा करता है गाड़ी के द्वारा, और वो उसका धक्का मुक्की में उसका मर्डर मतलब मर जाता है वो. और मर्डर का इल्जाम जो है हीरो पर लग जाता है. फिर हीरो का जो भाई है सोचता है मेरे भाई को किसने मारा, वो उसके पीछे फॉरेन कंट्री तक चला जाता है. बस इस टाइप की स्टोरी बनाई गई, लेकिन बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है. 5 में से कितने स्टार्स देंगे? सर 5 में से 5 ही दूंगा, भले ही पब्लिक कम हो, लेकिन जो विलन है जयदीप अलावत उसका बढ़िया काम है, और हीरो जो आयुष्मान खुराना है उनका बढ़िया काम है. हीरोइन तो है नहीं, और एक कैबरे डांसर है, क्या नाम उनका, मल्लिका शेखावत, उनका बढ़िया काम है, डांसर कैबरे. हाँ, दोबारा देख सकते हैं आदमी, क्या बात है, बुरी तो है नहीं. बहुत अच्छा लगा मेरे को. व्हाट इज गुड अबाउट द फिल्म, व्हाट इज द सब्जेक्ट? एक्शन पहली बार देखने को मिला है आयुष्मान की मूवी में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. और जयदीप सर की जो हरियाणवी टच था, वो एक फनी टाइप का लग रहा था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा. ऑल ओवर मूवी बहुत अच्छी है, आप लोगों को देखनी चाहिए. डांस भी बहुत ही पॉपुलर कैबरे डांस चल रहा है जी, वो अच्छा, वो तो अच्छा लगता ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है. 5 सेकंड टाइम वॉच है ये, तुम दोबारा देख सकते हैं. यस ऑफ कोर्स, थैंक यू. पहले स्टार्ट फॉर इट, कैसी लगी आपको एक्शन हीरो? मैं जो सोच के आया था उससे काफ़ी डिफरेंट है फॉर श्योर. मैं स्टार्टिंग में देखा, मैं ट्रेलर, मेरे को लगा कि कुछ तो लाइक इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट जब मैं फिल्म देख रहा हूँ एक्चुअली इट्स वेरी इंगेजिंग टू द ऑडियंस. इट्स वेरी मच लाइक अ ब्यूटीफुल थ्रू आउट, आपको लाइक ब्यूटी शॉट्स हर जगह दिखेंगे ना, एवरीथिंग, एंड ओवरऑल इंगेजिंग लगा. दैट इज़ माई पर्सनल व्यू. जयदीप अलावत एज एन विलन है, जो भी उनको नेगेटिव शेड से कितना परफॉर्म किया अच्छा होता है? ही परफॉर्म रियली नाइस, हिज एक्टिंग इज वेरी वेरी ऑन पॉइंट, एंड इट्स लाइक टू नेचुरल, ही इज डूइंग इट वेरी नेचुरल. आई विल गिव इट एटलीस्ट 4.5. एंड इट्स अ वन टाइम वॉच और टू टाइम वॉच? आई विल से इट्स अ वन टाइम वॉच. सर, हाउ वाज द फिल्म? It was amazing. I loved last mein special appearance Varun Dhawan ka. Wow. Yes, it was really amazing. And I think ye Bhediya se jo connect kiya hai. Huh. It was obviously I watched Bhediya just yesterday, and Madoc ke sath collaboration hai, ye mujhe pata hi nahi tha. Suddenly it was like, oh wow. Yellow out of nowhere. Haan, exactly. Wow. Exactly. So out of 5 shots, how many shots you want to give? Amazing, like 5.5. Oh my god. So, this is a 2 time watch. ये ऐसे नहीं करो यार, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस.
if you want to see the film for Varun Dhawan, if you are a Varun Dhawan fan, you have to see this film. No, but what about Ayushman and what about Jaydeep Pallava? Good, everyone's good. What about it? Yeah, same. They are amazing. Action they are amazing. Action, yeah, a lot of actions. Out of 5 stars? 5. But definitely, if you are a Varun Dhawan fan, watch this film. Go for it. It's entertaining. You should. It was really good. What is good about this film? Dialogues, story, और एक्टिंग तो खैर ऑब्वियसली आयुष्मान खुराना और अलावा साहब की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। एक्शन कर सकते हैं, वो एक्शन हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल। जयदीप अलावा का नेगेटिव शेड कैसा था? वो नेगेटिव शेड तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं था, बट मुझे एक्टिंग वाइज तो पसंद है पहले से ही, बट नेगेटिव मतलब देखने वाला या लिखने वाला बोल सकता है, बट एज एन ऑडियंस मैं नहीं कहूँगा कि नेगेटिव था। वरुण भी सरप्राइज पैकेज में, उसके बारे में बताइए। वो अच्छा, मतलब वो तो पहले से ही अच्छा, एक्टिंग वगैरह सब उनका अच्छा है। आउट ऑफ 5 स्टार्स, आउट ऑफ 5 आई वुड से 5।